तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीएन एप्लीकेशन के फुल ट्यूटोरियल के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे बंदे का कमेंट आ रहा था और इंस्टा पे मैसेज आ रहा था कि वीएन वीडियो एडिटर के अंदर इफेक्ट कैसे डालें। तो आज मैं जो आपको मालूम होगा वो भी, और जो नहीं मालूम है, जो न्यू अपडेट वीएन एप्लीकेशन के अंदर आया है, उसको भी मैं आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोग वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते हो तो इसमें जो आपको आता है वो, और जो नहीं आता है वो, मैं आपको सब कुछ आपको फुल एक्सप्लेन के साथ करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको वीएन ओपन करना है। वीएन ओपन करने के बाद आपको साइड में प्लस के आइकन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको जाना होता है न्यू प्रोजेक्ट पे। जैसे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, हमारे गैलरी में जितने वीडियोज होते हैं वो शो हो जाते हैं। हमको यहाँ से एक वीडियो लेना होता है तो हम लोग यहाँ से एक वीडियो लेकर यहाँ पे वीएन एप्लीकेशन के अंदर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा वीडियो हो गया जिसको हम लोग यहाँ पे आपको एडिट करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, ऊपर ओरिजिनल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको यहाँ पे टिकटॉक वाला रेशियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसी रेशियो को सेलेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम के लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे अब आपको यहाँ पे एक म्यूजिक का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करते हो आपको तीन ऑप्शन मिलता है। अब आप लोग यहाँ से म्यूजिक ऐड कर सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो और यहाँ पे वॉइस ओवर भी कर सकते हो। तो हम लोग पहले यहाँ से म्यूजिक ऐड करके आपको दिखा देते हैं कि म्यूजिक किस तरीके से ऐड किया जाता है वीएन एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग जैसे उस पर क्लिक करोगे, आपके फ़ोन में जितने ही म्यूजिक होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं, और जो नहीं शो होता है तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको म्यूजिक लाइब्रेरी पे जाके जो भी आपको सॉन्ग होता है आपके फ़ोन में वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, जो आपको सॉन्ग चाहिए आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो हम लोग यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेते हैं सॉन्ग। चूज पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। अब आप लोग यहाँ से वॉल्यूम का ऑप्शन अप डाउन भी कर सकते हो, और यहाँ पे फेड इन फेड आउट भी यहाँ से आप लोग कर सकते हो। और म्यूजिक बीट लगाने के लिए म्यूजिक बीट पे क्लिक करना होता है और यहाँ से म्यूजिक को स्टार्ट कर देना होता है। जहाँ भी आपको बीट लगाना होता है वहाँ पे आपको क्लिक करते जाना, आपका बीट जो है वो लगता चला जाता है। तो इस तरीके से करके आप लोग अपने म्यूजिक के अंदर बीट लगा सकते हो। उसके बाद आपको एक सबटाइटल का ऑप्शन दिखता है, तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आपको फर्स्ट में टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ भी यहाँ पे टाइपिंग करके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। इसका कलर भी यहाँ से आप लोग अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, जो भी आप लोग रखना चाहो आप लोग यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपने स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा कहाँ गया, दूसरा ऑप्शन जो था यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन था सबटाइटल एंड टेम्पलेट का। तो इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं, सबटाइटल टेम्पलेट। इसको हम लोग खुद से यहाँ पे टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, ये बना बनाया आता है, आप लोग इसको सिंपल से यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, आप लोग उसमें देख लेना। तो इसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है स्टिकर एंड पिप का, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है फोटो एंड वीडियोस का, सेकंड ऑप्शन होता है स्टिकर पे। मैं आपको स्टिकर वाला ऑप्शन चूज करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से स्टिकर वाला ऑप्शन मेरा काम करता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक भी स्टिकर नहीं मिल रहा है। सिंपल से हम लोग अपने फ़ोन से इसमें स्टिकर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना होता है, और गैलरी में अगर आपके स्टिकर है तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा स्टिकर का। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है फोटोज एंड वीडियोज वाला, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप लोग ऊपर में कोई भी फोटोज एंड वीडियोज यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको साइड में फ़ोटो का भी ऑप्शन मिलता है, आप लोग यहाँ से भी कोई फ़ोटो एक लेके यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे आप लोग का मन करे इसका बैकग्राउंड भी बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर देना, उसके बाद आप लोग कुछ इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आप लोग को सबसे पहले टेम्पलेट का ऑप्शन दिख जाता है। टेम्पलेट पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन शो होता है। अब आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोटो से वीडियो से कुछ इस तरीके का टेम्पलेट यूज करके अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हो कुछ अलग से। उसके बाद यहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिखता है, तो फ़िल्टर पे आप क्लिक करते हो तो आपको जो भी फ़िल्टर चाहिए आप लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हो। आपको बहुत सारा यहाँ पे फ़िल्टर मिल जाता है, एथेटिक्स, क्रिएट्स, फॉग, जो भी फ़िल्टर चाहिए, मूड, आपको यहाँ पे बहुत सारा फ़िल्टर दिख जाता है। आपको जो फ़िल्टर चाहिए आप लोग फेड के अनुसार अपने अनुसार इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग कोई गैलरी में फ़िल्टर रखे हुए हो तो उसको भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ। तो आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने पे आपको जाना होता है अपने गैलरी के अंदर। गैलरी में जैसे आप लोग जाते हो, अगर आप लोग कोई कलर रखे हुए हो तो उसको यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो अपने अनुसार। यहाँ पे अपने अनुसार आप लोग कोई भी यहाँ पे फ़िल्टर ऐड कर सकते हो।
उसके बाद साइड में आपको एडजस्ट का ऑप्शन दिखता है, इस पर आप लोग क्लिक करके अपने वीडियो को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट इसका बढ़ा सकते हो, यहाँ पे ब्राइटनेस अगर बढ़ाना चाहते हो तो ये ब्राइटनेस भी आप लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हो। सेचुरेशन अगर घटाना बढ़ाना चाहते हो, इसका सेचुरेशन थोड़ा हल्का हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ से बढ़ा लेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग अपने अनुसार इसको यूज कर सकते हो। शैडो यहाँ पे डालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे शैडो भी डाल सकते हैं इस वीडियो के अंदर, तो हम लोग कुछ इस तरीके से इस वीडियो को यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक स्पीड का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग सिंपल से जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होता है। अब आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हो, हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे स्लो, फिर फास्ट, यहाँ पे फिर से स्लो, यहाँ पे फिर से फास्ट। अब आप लोग को मैं वीडियो यहाँ स्टार्ट करके दिखाता हूँ। वीडियो कुछ इस तरीके का हमारा स्लो एंड फास्ट यहाँ से हो जाता है, जिस तरीके का हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहे उस तरीके का यहाँ पे हमारा वीडियो स्लो एंड फास्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग अपने वीडियो को वन स्टेप में अगर स्पीड या स्लो करना चाहते हो तो आप लोग यहां से कर सकते हो। पहले तो आपको यहां से इसको कैंसिल करना है, उसके बाद स्पीड पे फिर से आना है और यहां पे एक साइड में रेगुलर का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप लोग को यहां पे फुल्ली वीडियो को स्पीड करना है तो आप लोग यहां से कर सकते हैं, और स्लो करना है तो यहां से भी आप लोग कर सकते हैं, वो अपने अनुसार आप लोग ट्राई कर लेंगे तो हमारा ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग को वीडियो को दो भाग में कट करना है तो जैसे मैं यहाँ से आपको कट करके दिखा देता हूँ, यहाँ से हम लोग वीडियो को कट कर लिए तो यहाँ पे बीच में आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा। अब प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाता है जिसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, फिर से कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग अपने अनुसार इसको यूज करेंगे। मैं कैसे बताऊँ कि आप लोग को कौन सा अच्छा लगता है या लगेगा, आप लोग कॉमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताना। फिर ये वाला और फिर ये आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप लोग को इतना से भी अगर मन नहीं करता तो आपको यहाँ पे मैटी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग तरीके का यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट वाला यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, जिसको आप लोग अपने अनुसार इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो और टाइमिंग के अनुसार यहाँ पे। तो हम लोग इसको अभी यूज नहीं करने वाले फिलहाल, तो आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ट्रिम का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे अगर आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा भाग है तो यहाँ पे आप लोग कट कर सकते हो। ऐसे ही बैक से भी आप लोग कट कर सकते हो, एक्स्ट्रा भाग को यहाँ से आप लोग कट कर लेना ऐसे करके। उसके बाद आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, सबसे मेन हमारा यही इफेक्ट्स है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक इफेक्ट्स दिखा देता हूँ यहाँ पे यूज करके। तो आप लोग फर्स्ट इफेक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकेंड इफेक्ट्स है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे मैं आपको सारी के सारी इफेक्ट्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारी ये इफेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है और कैसे यहाँ पे काम करती है। इसका आप लोग साइज भी बढ़ा सकते हो, जहाँ तक इसका साइज जाए वहाँ तक आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको सारी इफेक्ट्स अप्लाई करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे खुद का इफेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी आप लोग इफेक्ट्स चाहिए आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपके वीडियो में कहीं भी अगर ऑडियो कैप्चर हो गया तो उसको आप लोग यहाँ पे म्यूट कर सकते हो 0% पे ला के, तो आप लोग यहाँ पे इसको म्यूट कर देना। उसके बाद आपको ये सब उतना यूज में नहीं आता है इसलिए मैं आपको ये चीज़ छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन मिलता है, आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग अपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर थोड़ा जूम आउट कर सकते हो और यहाँ पे जूम इन भी कर सकते हो तो सामने की तरफ। उसके बाद मूव लेफ्ट, मूव राइट, आप लोग देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ मूव राइट की तरफ यहाँ पे मूव हो रहा है। उसके बाद मूव अप कर सकते हो, ऊपर की तरफ मूव डाउन कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आप लोग करना चाहे वो कर सकते हो। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है इस गैलरी में लेके जाने के लिए, तो आपको ऊपर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाता है, आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट में हमको सेटिंग का ऑप्शन आता है, अगर आप लोग को वीडियो को अच्छे क्वालिटी में ऐड करना है तो आप लोग को यहाँ पे फुल्ली इसको कर देना है और यहाँ भी आपको फुल कर देना है और यहाँ पे आपको एक पे क्लिक कर देना है, ये आपके गैलरी में सेव होने लगता है। जैसे हमारा यहाँ पे 100% हो जाता है ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करके आप लोग वीडियो को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो कमाल का लगा हो, अगर आप लोग को इसमें कुछ नया लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इसमें आपको पहले से मालूम था और अभी क्या आपको मालूम चला। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।